जल ही जीवन है, भाग एक। पानी अमूल्य है और पानी के बिना जीवन ही नहीं है। जल केवल मनुष्य के लिए ही नहीं बल्कि पेड़ पौधों के लिए भी अति आवश्यक है। सारी वनस्पति जल पर निर्भर है। यदि जल ना हो तो क्या हो? जल के बिना न फसलें होती, न फल, न सब्जियां, न घास फूस, कुछ भी ना होता। जल का महत्व और उसके अन्य पहलुओं के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। आइए हम राजस्थान के एक छोटे से गांव में चलें, जहां जुगनू और राजेश रहते हैं। माँ, आज हमारी पाठशाला में निबंध लेखन प्रतियोगिता है। मैं जल्दी से राजेश को बुला लेता हूँ, नहीं तो वो रोज की तरह देर कर देगा। राजेश, राजेश, आ रहे हो क्या? हाँ यार, आ रहा हूँ। तुम जरा 2 मिनट के लिए रुको जुगनू, मैं जल्दी से तैयार हो जाता हूँ। राजेश, तुम हर रोज देर करते हो। ऐसा क्या करते हो तुम कि रोज देर हो जाती है? तुम्हें पता है ना जुगनू, इस गांव में पानी की इतनी कमी है। रोज सुबह मैं सरपंच के घर के पास से पानी लाता हूँ, इसलिए हर रोज देर हो जाती है। हमारे यहाँ पानी की काफी दिक्कत है। ओहो, हमारे यहाँ भी काफी दिक्कत है, लेकिन माँ सुबह पानी लाती हैं और मैं और दीदी शाम को मदद करते हैं। चलो अब जल्दी चलते हैं। बच्चों, आज 22 मार्च विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आप सभी को पता ही है कि हमारे गांव और हमारे देश की अलग अलग जगहों में पानी की काफी कमी है। आज आप सभी पानी के महत्व और उसके बचाव के बारे में एक निबंध लिखेंगे और जिसका निबंध सबसे अच्छा होगा उसे पुरस्कार मिलेगा। बच्चों, विश्व जल दिवस का क्या महत्व है? यदि आप दुनिया के नक्शे को देखते हैं, तो आप देखेंगे कि हमारे अधिकांश ग्रह पर पानी है, जो 70% है। 70% पानी होने के बावजूद हम पानी की कमी को महसूस करते हैं। क्या आप सोच सकते हैं ऐसा क्यों हो रहा है? सभी बच्चों ने पानी के महत्व के बारे में काफी अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं। आज का पुरस्कार जुगनू को जाता है। जुगनू, यहाँ आओ और पूरी कक्षा को बताओ कि तुमने क्या लिखा। जी मास्टर जी, दोस्तों, यह धरती 70% पानी से भरी है, लेकिन इस पानी में से 97% पानी नमकीन है, जो समुद्रों और महासागरों में है। यह पानी पीने लायक ही नहीं है। जुगनू ठीक कह रहा है, सिर्फ 3% पानी इस्तेमाल करने लायक है। मास्टर जी, क्या इसलिए हमारे गांव में पानी की इतनी कमी है? हाँ, लेकिन जुगनू, क्या तुम विस्तार से बता सकते हो? यह 3% पानी को अलवण पानी कहते हैं। इस 3% जल में लगभग 2/3 पानी नदियों, कुंड, तालाबों में मिलता है और थोड़ा पानी भूजल के रूप में रहता है। भूजल धरती के अंदर रहता है। पानी बर्फ और ग्लेशियरों में पहले जमा रहता है। ये पिघलने पर झीलों में,
नदियों में कुंड में जाता है। केवल 0.006% पानी हमें इस्तेमाल के लिए उपलब्ध है, जो कृषि और कारखानों में भी उपयोग होता है। क्या इतना पानी सारी जनसंख्या के लिए काफी है? बच्चों, इतना कम पानी दुनिया भर में 7 बिलियन से अधिक लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। वे इस 0.007% पानी पर ही निर्भर हैं। हम सभी इसलिए पानी की कमी का अनुभव करते हैं। भारत की तरह पूरे विश्व में पानी की समस्या है। पिछले 100 वर्षों में पानी का इस्तेमाल 6 गुना बढ़ गया है। इतने लोग पानी का उपयोग करते हैं, मास्टर जी, अगर इतने लोग पानी का इस्तेमाल करेंगे तो पानी तो खत्म हो जाएगा, है ना? पानी बचाने के कई उपाय हैं। हमें पानी का इस्तेमाल बहुत सावधानी से करना चाहिए। पानी को व्यर्थ नहीं करना चाहिए, हर बूंद को बचाना चाहिए। घर में पानी का पुनः उपयोग करना चाहिए। बारिश का पानी बचाने के लिए राजस्थान में टोबा और टांका बनाए जा रहे हैं। इनमें जल संरक्षण किया जाता है। ये टंकी जैसे हैं। राजस्थान में खड़ीन खेती की प्रणाली है। यह एक पारंपरिक खेती प्रणाली है। इससे बहुत पानी का बचाव किया जाता है। जल संरक्षण सभी को करना चाहिए। शाबाश जिग्नू, क्या आप में से कोई मुझे बताएगा कि पानी आता कहां से है? जब बारिश होती है हमें पानी मिलता है। बारिश ही पानी का सबसे बड़ा स्रोत है। शाबाश, और बारिश कैसे होती है? पानी 3 अवस्थाओं में होता है। बर्फ ठोस अवस्था है, पानी तरल अवस्था है और वाष्प गैसीय अवस्था है। सही कहा। मैं एक चित्र बनाता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। सूरज झीलों और नदियों के पानी को गर्म कर देता है और वाष्पीकरण की वजह से जल वाष्प बन जाता है। जब जल वाष्प ठंडा हो जाता है तो यह तरल रूप में बदल जाता है। इसे संघनन कहते हैं। जब बादलों में ज्यादा पानी संघनित हो जाता है तो बादल भारी हो जाते हैं और बारिश होती है। इस पूरे चक्र को जल चक्र कहते हैं। जल चक्र पृथ्वी पर पानी की मात्रा को स्थिर रखने में मदद करता है, लेकिन हमें पानी को सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए। मास्टर जी, हमारे गांव में पानी की बहुत कमी है, लेकिन मेरे नाना जी के गांव में तो पानी बहुत मिलता है। ऐसे क्यों होता है? यह इसलिए होता है क्योंकि वहां ज्यादा भूजल है। जहां पर भूजल ज्यादा है वहां पानी की कोई कमी नहीं होती। क्या भूजल बहुत महत्वपूर्ण है? भूजल हमारे लिए पानी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। पानी जमीन के नीचे जमा होता है, चट्टानों की परतों के बीच। किसी स्थान पर भूजल की ऊपरी सीमा को उस स्थान का वाटर टेबल कहा जाता है। यह स्तर आम तौर पर मैदानी इलाकों में अधिक होता है और पहाड़ी इलाकों में बहुत कम होता है। मास्टर जी, धन्यवाद, आपने हमें बहुत जानकारी दी। हमें पानी के बारे में काफी बातें समझ आई। आज आपने पानी के कई पहलुओं के बारे में जाना। अगले वीडियो में आप पानी का वितरण और जल स्तर में कमी के बारे में जानेंगे। फिर मिलते हैं।